मैं देशवासियों को और हमारे देश के लोग इस पृथ्वी पर जहाँ भी कहीं रहते हैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं शुभकामनाएं आज दीपावली के साथ इस बात की भी दे रहा हूँ कि आज जैसलमेर में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सैनिकों के बीच लोंगेवाला में हैं। ऐसा अद्भुत क्षण जैसलमेर के लिए, और क्यों ना गर्व करे भारत अपने ऐसे प्रधानमंत्री पर कि जब हमारे सैनिक ऐसे त्यौहार पर उनको घर वालों की याद आती है, जब उनको मन करता है कि मैं भी अपने परिवार के साथ दीपावली का त्यौहार मनाऊं, लेकिन उस समय देश की रक्षा भी बहुत ज़रूरी होती है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री खुद उन सैनिकों के साथ उन जंगलों में, उन रेतीले इलाकों में, उन पर्वतीय इलाकों में, उन पहाड़ों में, उन बर्फीले इलाकों में उनके साथ दीपावली मनाने के लिए निकल पड़ते हैं। आज गौरव का क्षण हमारे देश के लिए, जैसलमेर वासियों के लिए और हमारे सैनिकों के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जैसलमेर के रेगिस्तान में सैनिकों के साथ आज दीपावली मना रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा नेता इतना बड़ा, और ख़ासकर बात करें हम प्रधानमंत्री या सेना अध्यक्ष, जब भी सैनिकों के बीच में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहे हैं। और एक सैनिक का परिवार, पूरा देश एक परिवार होता है, और अपने परिवार की रक्षा के लिए वो उस बॉर्डर पर चाहे कितना भी बड़े विपत्ति आए, चाहे कितना बड़ा संकट आए, चाहे कितने ही प्रिय त्यौहार आए, उसका सब कुछ अपने परिवार के लिए होता है और परिवार की रक्षा के लिए, और वो सब कुछ भुला देता है, वो अपनी खुशियों को देश के लिए न्योछावर कर देता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है और परिवार के लोगों का भी फर्ज है कि हम भी अपने वीर सैनिकों के लिए आज दीपावली पर उनके नाम का एक दीपक जलाएं। और आज सारे देशवासी दीपावली के दियों के साथ साथ एक सैनिकों के नाम से भी दिया, अतिरिक्त दिया जला रहे हैं। यानी कोई 51 दिए जलाता था घर में, कोई 121 जलाता था, और आज एक अतिरिक्त दिया हम अपने बहादुर जवानों के लिए, अपने परिवार के सबसे प्रिय सदस्य के लिए जो हमसे कहीं दूर बॉर्डर पे है, उसके लिए हम दिया घर में जला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी आज जैसलमेर के लोंगेवाला में उनके बीच में हैं, और किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों के बीच में जाकर के उनकी दीपावली की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया है। उनका जो अकेलापन होता था, जो नीरसता थी, खत्म कर दी है, और पूरे देश में आज एक जश्न का माहौल है। सैनिकों को लग रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री उनके बीच में हैं तो कि पूरा देश आज उनके साथ मिलकर के दीपावली मना रहा है। और प्रधानमंत्री ने लोंगेवाला में जाकर के वो अद्भुत क्षण 1971 के, जब हमारे 120 बहादुर सैनिकों ने पूरी टैंक ब्रिगेड पाकिस्तान की ध्वस्त कर दी थी, उसकी म्यूजियम में जाकर के वहाँ पर जानकारी ली और टैंक की सवारी की, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज जैसलमेर में आकर के सैनिकों का हौसला बढ़ाया। ऐसे प्रधानमंत्री दुनिया चाहती है, हर देश चाहता है कि हमारे देश को भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले, और देश का, सैनिकों का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, और देश के लिए अपना सर्वोच्च सर्व कुछ देश के लिए न्योछावर करने को हर समय तत्पर रहे, तैयार रहे। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं सहृदय नमन करता हूँ कि हमारी दिवाली की, आज जैसलमेर वालों की दिवाली की खुशियों को बहुत बड़ा कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ जैसलमेर में आने के लिए। कोटि कोटि नमन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे ही हमारे जैसलमेर में आते रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। और आज जैसलमेर, पूरे भारत में आज जैसलमेर का नाम प्रधानमंत्री के आने से हर चैनल पर, हर जवान पर है। और जैसलमेर में आने वाले, जो कोरोना संकट के बाद एक नीरसता थी जैसलमेर में, वो प्रधानमंत्री ने आकर बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और आने वाले समय में यहाँ पर सैनिकों का हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ साथ हम जो सीमा पर, बॉर्डर पर लोग रहते हैं, उनका हौसला भी बहुत बढ़ेगा, और हम भी दुश्मन से दो दो हाथ करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जय हिंदुस्तान, जय भारतीय सेना, और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद।